छत्तीसगढ़ के भिलाई में सुपेला थाना के स्मृति नगर चौकी अंतर्गत कोहका अवंतीबाई चौक पर रविवार सुबह नगर निगम के हाइवा ने एक साइकिल सवार को कुचल दिया। हाइवा का पहिया युवक के सर से गुजर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। स्मृति नगर पुलिस ने हाइवा जब्त कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि वह कोई मछली विक्रेता था। अवंतीबाई चौक में प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सुबह 7:15 बजे के करीब निगम का कचरा उठाने वाला हाइवा गदा चौक होते हुए अवंतीबाई चौक से टर्न लेकर सूर्या मॉल की तरफ मुड़ रहा था। इस दौरान एक युवक कोहका की तरफ से आया। हाइवा चालक साइकिल सवार को देख नहीं पाया और उसे टक्कर मार दी। हाइवा का चक्का बढ़ने से साइकिल सवार का पैर बुरी तरह कुचल गया। इससे पहिया साइकिल सवार के सर पर चढ़ गया और उसकी जगह पर ही मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना के काफी देर बाद स्मृति नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने हाइवा चालक वीरेंद्र कौशिक निवासी न्यू खुर्सीपार को गिरफ्तार कर लिया है। इस दुर्घटना में बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस दुर्घटना का कारण पुलिस और निगम की लापरवाही है। इसके बाद से यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने यहां एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी की ड्यूटी लगाने की भी मांग की है। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।